नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कोटा विजिटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विजिट कर रहे हैं मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क कोटा राजस्थान इंडिया। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाई मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क में जो जंगल सफारी है वो हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। तो मुकुंद्रा हिल्स में जंगल सफारी के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको कहाँ पहुँचना पड़ेगा और इसका जो यहाँ पर जो एंट्री का जो प्रोसीजर है वो क्या है, यहाँ पर कितना टिकट के जो चार्जेज है और जो जिप्सी है उस जिप्सी के क्या चार्जेज है, रूट क्या है और इस रूट के अंदर आपको क्या क्या मिलने की संभावनाएँ हैं, क्या क्या आप इस रूट पर देख सकेंगे और कितना लंबा रूट रहेगा और समय क्या रहेगा, टाइमिंग के बारे में हम जानेंगे। तो आपको बता दें कि यहाँ पर इस अक्टूबर 2023 के महीने में ही जंगल सफारी की शुरुआत हो चुकी है और अब लोग यहाँ पर जंगल सफारी का आनंद ले रहे हैं। आप भी अगर जंगल सफारी के क्षेत्र में वन्य जीवों के बारे में अगर आप रुचि रखते हैं तो ज़रूर आप यहाँ पर मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क की भी सफारी कीजिए। और आप इसके लिए कहाँ आपको आना पड़ेगा, क्या आपको करना पड़ेगा, वो सब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो में एंड तक और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए अभी। और जिन मित्रों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं और आते रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। और अभी इस समय जहाँ पर हम चल रहे हैं यह है NH 52 और यह NH 52 निकल रहा है यहाँ पर मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क के अंदर होकर। NH 52 फोर लेन रोड ये है, लेकिन वन्य जीवों की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क की सीमा में इस NH 52 को फोर लेन की परमिशन नहीं मिली और इसी वजह से इसको यहाँ पर टू लेन निकाला गया। और यह 7 किलोमीटर के लगभग जो एरिया है उसमें जो ये NH 52 है ये आपको टू लेन ही मिलेगा। जब कभी आप इस NH 52 से यहाँ से निकले होंगे तो आपने यह जो मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क है ये आपने देखा होगा, लेकिन आपने अंदर जाके अभी नहीं देखा होगा कि अंदर मुकुंद्रा हिल्स में आखिर है क्या क्या, कौन कौन से जीव जंतु यहाँ पर है, कौन कौन से पक्षी यहाँ पर है और वनस्पतियाँ यहाँ की कौन कौन सी है, ये जानने के लिए तो आपको इस मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क के अंदर जाना पड़ेगा, यहाँ की सफारी आपको करनी पड़ेगी, तभी आपको जो इसका एक्चुअल एक्सपीरियंस है वो मिल पाएगा। फिलहाल हम चलते हैं यहाँ से दरा स्टेशन और दरा स्टेशन हम पहुँचेंगे वन विभाग के कार्यालय में, जहाँ से हम जान पाएंगे आगे का सारा प्रोसीजर। तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं हम दरा स्टेशन। ये मेन रोड से जाते हो नहीं जी, इस रोड पे आपको ऑफिस मिलेगा जी, ठीक है नहीं। हाँ, ऑफिस में जाके सारा परमिशन लेके आओ, मेन ऑफिस है यहाँ से, ऑफिस से जाके जानकारी ले लो, ठीक है सर। तो दोस्तों, हम फाइनली पहुंच चुके हैं दरा स्टेशन और आप जो ये देख रहे हैं ये दरा स्टेशन है और यहीं से शुरुआत होती है मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क के अंदर जंगल सफारी की। और आप जो ये देख रहे हैं ये है वन विभाग का कार्यालय और यही वो है वन विभाग का महत्वपूर्ण कार्यालय है जहाँ से आप जंगल सफारी की शुरुआत करेंगे। तो टिकट आपको इस कार्यालय से ही लेना पड़ेगा, यहाँ आप अंदर जा कर के और यहाँ आकर के अपना टिकट प्राप्त कर सकते हैं। कोटा से 46 किलोमीटर आप साउथ में चलेंगे तो यह दरा स्टेशन आ जाएगा और दरा स्टेशन पहुँच कर के आप इस कार्यालय में यहाँ पर पहुँचेंगे और इस कार्यालय से आप अपना जो टिकट है वो यहाँ से प्राप्त करेंगे आप। वर्तमान में टाइगर रिजर्व के भीतर केवल एक ही जिप्सी वाहन पंजीकृत है जो प्रति यात्रा 6 व्यक्तियों को समायोजित करता है। जिप्सी बुक करने के लिए पर्यटकों को कुल 4,508 रुपये चुकाने होंगे। जो एंटर करने का जो चार्ज है वो रहेगा आपको प्रति व्यक्ति 137 रुपये और जो जिप्सी का किराया है, जिप्सी का किराया आपको देना पड़ेगा यहाँ पे 4,508 रुपये आपको जिप्सी का किराया देना पड़ेगा। चाहे दो आदमी आप जिप्सी में है, चाहे अकेले है, चाहे आप 6 आदमी है, तब भी आपको 4,508 रुपये ही
इस जिप्सी का किराया यहाँ पर चुकाना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो ट्रेवल टूर है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, और इसके लिए आप सुबह 6:30 बजे से 9:30 बजे तक आप यहाँ पर घूम सकते हैं, और दोपहर को 3 बजे से शाम को 6 बजे तक दूसरी पारी में आप इस मुकुंदा हिल्स नेशनल पार्क के अंदर सफारी का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पहुँच करके आपको टिकट लेने पड़ेंगे, जिप्सी बुक करनी पड़ेगी, फिर विधिवत आपकी यहाँ से यात्रा शुरू हो जाएगी। टाइगर रिजर्व के बफर जोन के भीतर सावन भादो पर्यटन मार्ग पर 21 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हुए यह जिप्सी आपको वापस पहुंचा देगी यहाँ पर दरा, और इस दौरान आप 3 घंटे तक यह ट्रेवल करेंगे। आपको सिर्फ ये सावन भादो मार्ग ही आपको खुला यहाँ पर मिलेगा। सावन भादो मार्ग पर आपको जो सावन भादो बांध है उसके आसपास का एरिया भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे पक्षी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और बहुत सारे जीव जंतु आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेकिन टाइगर आपको इस सफारी में देखने को नहीं मिलेंगे। एक्चुअल में मुकुंदरा हिल्स में अभी 2 टाइगर है, जिसमें एक टाइग्रेस है और एक टाइगर है, लेकिन वो ये 82 स्क्वायर किलोमीटर का जो बफर जोन है और इसके अंदर जो एनक्लोज़र है इसके अंदर ही आपकी यह यात्रा रहेगी। इसमें टाइगर आपको नहीं मिलेंगे। टाइगर जो दूसरी साइड है पश्चिम की साइड पर यहाँ से जो टाइगर्स है वो है। यह जिप्सी आपको यहाँ से 8 किलोमीटर ईस्ट में ले जाएगी। जब आप जिप्सी से एंटर पॉइंट की तरफ जाएंगे यहाँ से, तो इस बीच रास्ते में आपको यहाँ पर ये वॉच टावर मिलेंगे। जो वॉच टावर है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। आप इन वॉच टावर के ऊपर चढ़ कर के और यहाँ से अभयारण्य को देख सकते हैं। ऊपर से बहुत दूर दृष्टि तक आप इस अभयारण्य को यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ पर ये जो वीके सालवान लिखा हुआ है, वीके सालवान का चित्र भी यहाँ पर बनाया गया है। और ये जो वीके सालवान है ये इस मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क के जनक इनको यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि जो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क का जो पूरा प्रपोजल है, पूरी योजना है, वो इन्होंने ही तैयार की थी। सबसे पहले इन्होंने मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को इस कल्पना के अंदर डाला। वीके सालवान यहाँ पर DFO के रूप में यहाँ पर तैनात थे, तब उन्होंने इस मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क का प्रपोजल तैयार किया और सरकार को भेजा, और उसके बाद यह मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क यहाँ पर अस्तित्व में आया। और एक टावर आप ये यहाँ देख सकते हैं, ये सेम वैसा ही टावर है। इस पर भी थोड़ा ऊपर चढ़ के देख लेते हैं, और यहाँ पर मिलेगा आपको ये हनुमान मंदिर यहाँ, और यह लवकुश वाटिका यहाँ पर बनाई जा रही है। ये हनुमान मंदिर का ही लवकुश वाटिका यहाँ पर है, और ये किशोर सागर के जो बालाजी बोलते हैं उनका मंदिर यहाँ पर आपको मिलेगा। और सामने देख सकते हैं आप, एक किशोर सागर है। एक किशोर सागर जो है इसमें पूरे साल इसमें पानी रहता है, और इस प्रकार से इस टावर के ऊपर से यहाँ से काफ़ी सुंदर दृश्य आपको दिखाई देगा जब आप इस टावर के ऊपर यहाँ पर चढ़ेंगे। तो ठीक है, यहाँ से हम चलते हैं आगे, जो एंटर पॉइंट आएगा, एंटर पॉइंट फ़िलहाल हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं जहाँ से अभी इस सफारी का एंटर पॉइंट है। तो आपकी जो जिप्सी है वो इसी गेट से एंटर करेगी। मुकुंदरा हिल्स में जो सफारी के लिए अभी का जो एंटर पॉइंट है वो सिर्फ यही रहेगा आपके लिए। ऐसे तो बहुत सारे एंटर पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन अभी जो एंटर पॉइंट खुला है वो यही खुला है। यहीं से अभी इस जंगल सफारी की शुरुआत की गई है, और आप जब जिप्सी में जाएंगे अंदर तो 21 किलोमीटर का सफ़र तय करके और आप घूम के और निकल जाएंगे वापस दूसरे गेट से। तो यह एंटर पॉइंट यहाँ पर कनवास रोड पर है, और ये दरा से 8 किलोमीटर के लगभग ईस्ट में आपको पड़ेगा। एग्जिट आप यहाँ से नहीं करेंगे, एग्जिट आप करेंगे NH-52 पर जो गेट है वहाँ से आप एग्जिट करेंगे। तो आप यह एग्जिट पॉइंट भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहले आपको दरा रेंज कार्यालय पर जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको टिकट बुक करना पड़ेगा, जिप्सी बुक करनी पड़ेगी। उसके बाद आप एंटर करेंगे 8 किलोमीटर दूर जा करके, और फिर अंदर हो करके और 21 किलोमीटर का सफ़र टोटल तय करके और इस गेट से आप एग्जिट हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं यह जो गेट है वो अभी बंद है। यही आपका जो यहाँ पर रहेगा एग्जिट पॉइंट,
और इस प्रकार से आपकी यह यात्रा यहाँ पर समाप्त हो जाएगी और फिर यहाँ से आप पहुँच जाएंगे दरा रेंज कार्यालय। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले जो सभी वीडियो है वो भी पहुँच सके आप तक। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।